डिफरेंशिएशन को हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन एज एन ऑपरेटर देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डी डी एक्स से। आपने एक टर्म देखा होगा डी बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, वो गलत है। बेसिकली डी डी एक्स एक कंप्लीट यूनिट है, इसको एक साथ ट्रीट करते हैं। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या डी वाई डी एक्स को समझने के लिए हम यहाँ पर समझना होगा हमको कि ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज एन ऑपरेटर। तो बेसिकली एन ऑपरेटर इज वन विच ऑपरेट्स ऑन समथिंग। एक ऑपरेटर वो होता है जो किसी चीज पर ऑपरेट करता है, कार्य करता है। जैसे कि आपने यूज किया है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट एक ऑपरेटर है। स्क्वायर रूट ऑपरेटर अगर हम जैसे कि इसके अंदर 16 रख दें तो ये हमको क्या वैल्यू दे देगा, 4। तो बेसिकली इसने ऑपरेट किया, स्क्वायर रूट ऑपरेटर ने 16 पर, और उसको 4 बना दिया। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, अब 2 × 4 ये क्या होता है, 8। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो चीजों पर ऑपरेट कर रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है और उसको 8 बना रहा है। इसी तरीके से डिवीजन ऑपरेटर या और कोई ऑपरेटर हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, डी डी एक्स है। अब आप इसको देखिए, जब ये साइन एक्स पर ऑपरेट करता है तो उसको कॉस एक्स बना देता है। अगर देखें हम कॉस एक्स पे कार्य करता है, ये ऑपरेट करता है, उसको माइनस साइन एक्स बना देता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा फॉर्मूले में, जब एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो ये उस पे ऑपरेशन करके उसको एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन बना देगा। फिजिक्स के टर्म्स में हम सोचें अगर, तो एक्स की जगह अगर हम टी सिंबल ले लें और टी से टाइम को डिनोट करें, तो डी डी टी ऑपरेटर जो है वो पोजीशन जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पे ऑपरेट करता है और वेलोसिटी हमको दे देता है। इसी तरीके से डी डी टी वेलोसिटी वी पर ऑपरेट करता है, उसको एक्सेलरेशन बना देता है। अगर हम देखें डी डी टी लीनियर मोमेंटम यानी कि एम वी पे ऑपरेट करता है तो हमको फोर्स मिल जाता है।